पिछले 60 घंटों से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। यद्यपि हमने आज जुम्मे के नमाज के लिए सभी प्रकार के इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में जो हम एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था, शांति मार्च किया था, लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जो हमारे अफसरों ने बढ़ चढ़ करके आगे जा कर के लोगों से बातचीत की है, उससे हमें यही मिला जो हम समझ पाते हैं कि सभी अमन चैन चाहते हैं। और उन्होंने जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं उनको उसका सराहना भी किया, और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमन चैन बहाल हो जाए। अभी भी वैसे सब शांति है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जल्दी से नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक आपने अमन कमेटी की बात कही है, कल जो हमें सभी अफसरों से बात किया था, तो पिछले दो दिनों में 331 अमन कमेटी की मीटिंग्स हुई, जहाँ पे सभी ने ये विश्वास दिलाया कि वो शांति बहाल करने की दिशा में वो काम करेंगे। अब तक हम 100 से ज़्यादा केसेस, जो रायट्स मर्डर्स के केस हमने रजिस्टर कर लिया है, 2 SITs बनाए हैं जो क्राइम ब्रांच के तहत हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं किसी एक केस के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि हर कोई जो कल्प्रिट रहा है और किसी ने इस राइट्स में भाग लिया है, उसको हम कानूनी सजा दिलवाएं। तो कानूनी प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में इस दिशा में हम काम करेंगे।